दोस्तों हम आपके सामने आगे हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न लाए हैं और देखेंगे उनको भी हम अच्छे से, ताकि जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ें वो हमें कंठस्थ हो जाएं। और आपसे बता दें यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए, हम उन्हीं प्रश्नों का संकलन आपके सामने लाए हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए। तो चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है प्रश्न, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। तो आंचलिक शब्द जो होता है वो किसी विशेष क्षेत्र को यानी ग्रामीण क्षेत्र एरिया को दिखाता है। तो ध्यान रखना, यानी ये क्षेत्र विशेष से संबंधित रचनाएं होती हैं आंचलिक। आपसे बता दें फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं ये प्रमुख आंचलिक लेखक माने जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, तो आंचलिक रचनाएं आ जाएं तो ग्रामीण परिवेश या किसी विशेष क्षेत्र में जो रचनाएं इंगित होती हैं उनको आंचलिक रचनाएं कहते हैं। तो कौन सा पाठ सही है, सी पाठ पूरी तरीके से सही है। ये देखिए किस तरीके से व्याख्या भी दी है, आप प्रश्न के बाद उसकी व्याख्या को अच्छे से देखें ताकि भविष्य में या आने वाले एग्जामों में कुछ अन्य भी प्रश्न बने तो आप उसी व्याख्या की सहायता से उसको हल कर दें। कह रहा है आंचलिक रचनाएं किसी एक विशेष क्षेत्र से संबंधित होती हैं, इसमें उस क्षेत्र के लोगों की भाषा, देखिए कह रहा है भाषा, रहन सहन और कार्यों का वर्णन करते हुए कहानी का ताना बाना बुना जाता है। उदाहरण के लिए फणीश्वरनाथ रेणु, देखिए बता रहा है इनका जो उपन्यास है जिसका नाम है मैला आंचल, तो ये एक आंचलिक उपन्यास है। ठीक, तो आपको पता भी चल गया कि प्रमुख आंचलिक लेखक कौन है, तो फणीश्वरनाथ रेणु। और एक ये भी क्वेश्चन कि मैला आंचल किसकी रचना है, तो फणीश्वरनाथ रेणु जी की है। चलते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्गुण भक्ति, देखिए बता रहे हैं कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन थे। तो दो भक्ति थी, यानी सगुण भक्ति शाखा और इसके अलावा निर्गुण भक्ति शाखा। ठीक, तो इसमें यानी आराध्य को अपने मानकर ठीक पूजा करते थे, तो इसमें मूर्ति पूजा और ये सब था। निर्गुण भक्ति में केवल उनके गुणों का, यानी आप अपने कर्म के दम पर यानी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो निर्गुण भक्ति के जैसे प्रमुख कवि थे हमारे कबीरदास जी, ठीक, गुरु नानक देव, तो ये निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। सगुण भक्ति के तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, तो सगुण भक्ति शाखा। कार्य दोनों का यही था कि यानी अच्छे आचरण करके ईश्वर से यानी अच्छी ज्ञान प्राप्त किया जाए, मोक्ष के लिए आगे अग्रसर हुआ जाए। चलती, तो इस हिसाब से इसमें निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन थे, कबीरदास जी कौन थे, और बाकी अगर सूरदास जी, तुलसीदास जी, केशवदास जी कहे तो ये लोग सगुण भक्ति के कवि थे। किस कवि, सगुण भक्ति, और कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा पाठ सही हुआ, सी, कौन सा पाठ, सी। ये देखिए व्याख्या में क्या कह रहा है, निर्गुण ज्ञानाश्रय, देखो ठीक, ज्ञानाश्रय शाखा ये भी पूछा जाता है। संत कवियों का परिचय कबीर, कमाल, रैदास, ये जिन्हें इन्हें ही रविदास जी कहा जाता है, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब, मलुकदार, अक्षर, अनन्य, जमनाथ, सिंगाजी, हरिदास, निरंजनी, तो इन लोगों को निर्गुण भक्ति शाखा का कवि माना जाता है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है श्रद्धा किस कृति की नायिका है। यानी अब इसमें ये पूछा है कि श्रद्धा कोई पात्र थी यानी नाटक में या रचना में, तो वो किस रचना में जो पात्र थी वो श्रद्धा नायिका थी। तो आपसे बता दें कि वो कौन सा, कामायनी, जयशंकर प्रसाद की कामायनी रचना में, यानी जो पात्र थी या नायिका थी उनका नाम श्रद्धा था। उनका नाम क्या था, श्रद्धा था। ठीक, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है फिर से अच्छी पंक्तियाँ दी हैं, क्या दी हैं, तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए ही न पान, ये किसकी रचना है। तो आपसे बता दें ये
कबीरदास जी की रचना है। किसकी रचना है? सॉरी, ये रहीमदास जी की रचना है। फिर से आपको एक बार इंगित करा दें, क्या? तरुवर फल नहीं खात है, सरुवर पिए ही न पान। तरुवर फल नहीं खात है, सरुवर पिए ही न पान। तो ये कबीरदास जी की रचना नहीं है, ये रहीमदास जी की रचना है। इसको आप अच्छे से कंटेस्ट कर लेना। ठीक, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यानी फिर से अच्छी पंक्तियां हमारे सामने दे दी हैं। तो इन पंक्तियों को किसने लिखा है आपसे ये बताना है। तो किसने लिखा है? तो देखिए, ऑप्शन है ए भारतेंदु हरिश्चंद, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी रामदेश त्रिपाठी। तो आप बताएंगे कि किसने लिखा है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद की पंक्तियाँ। चलते हैं आगे, अगला बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ, वीरता यानी वीर रस, उत्साह के लिए और हमारे अपने स्वतंत्रता सेनानी या देश के नायकों को याद दिलाने के लिए। क्या कह रहा है? बुंदेलों हरबोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये पंक्तियाँ किसने लिखी हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये पंक्तियाँ, ठीक, जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के संबंध में लिखी गई, ठीक, जिन्होंने बड़े वीरता के साथ लड़ते हुए मातृभूमि की सेवा की। तो इस हिसाब से कौन सा पार्ट सही है? हमारा सी पार्ट सही है। ठीक, आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आपने भी कई बार एकेडमिक जीवन में या वास्तविक जीवन में यानी कई महापुरुषों से ये कहानियाँ या ये पंक्तियाँ सुनी होंगी। और इसके अलावा आपसे बता दें कि ऐसी पंक्ति थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी 1857 के विद्रोह में यानी अपनी झांसी को बचाने के लिए वीरगति की प्राप्ति हुई थी। चलते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पत्र में तुम फेंक दें फेंकना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जावे अनेक वीर। यानी अगर देखा जाए तो ये किसकी रचना है आपसे ये पूछा गया है। तो ये रचना है किसकी? और इसमें बता दें, ये पुष्प की अभिलाषा, जो रचना का नाम है पुष्प की अभिलाषा। ठीक, तो ये इस कृति की यानी पंक्तियां हैं। पुष्प जो है वो कह रहा है कि हे माली, मुझे तोड़ के तुम उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाने हमारे वीर जाते हों। तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ते दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो आपसे बता दें कि राहुल संकृत्यायन। तो ए पार्ट पूरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो महाकवि भूषण की रचना का प्रधान क्या है? प्रशस्ति परक। क्या है? प्रशस्ति परक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं? तो आपसे बता दें, अपभ्रंश में कृष्ण काल के प्रणेता हैं पुष्पदंत। कौन है? पुष्पदंत। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन पढ़े। चलते हैं आगे, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? तो सूफी, ठीक, तो सूफी के हैं प्रथम। अगर प्रथम ना कहता तो अधिकांश ये सूफी हैं, लेकिन प्रथम कह दे तो मुल्ला दाऊद। कौन है? मुल्ला दाऊद। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया, हिंदी के प्रथम गद्यकार, हिंदी के प्रथम गद्यकार पूछ रहा है, तो लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। ठीक, ध्यान रखना। आइए चलते हैं, और इनकी रचना कई बार एग्जाम में पूछी गई है, प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की। और क्या?
हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। ठीक, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन था, यानी समाचार पत्र किसमें, हिंदी में। ठीक, तो वो कौन था, उदंत मार्तंड लाला जुगल किशोर के द्वारा। ठीक, और ध्यान रखना अगर वो ऐसे कह दे तो आपसे बता दें अगस्तस हिक्की, क्या नाम है, अगस्तस हिक्की द बंगाल गजट। द बंगाल गजट ये भारत का पहला समाचार पत्र है, लेकिन ये अंग्रेजी में था। अगर हिंदी का पूछे तो उसका नाम है उदंत मार्तंड, क्या नाम है, उदंत मार्तंड, ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। तो इस हिसाब से कौन सा सही है, हमारा बी पार्ट पूरी तरीके से सही। देखिए व्याख्या में दिया भी गया है कि उदंत मार्तंड हिंदी की सर्वप्रथम प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका है। इसका संपादन कहाँ से, कलकत्ता में, और कब से, 1826 से, और किसके द्वारा, पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा किया जाता, यानी किया गया था, और 1827 में इसका प्रकाशन बंद हो गया था। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, छायावाद, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है। तो छायावाद के प्रवर्तक का नाम आपसे बताना है, तो क्या नाम था इसमें से छायावाद के प्रवर्तक, सुमित्रा नंदन पंत या श्रीधर पाठक या जयशंकर प्रसाद। तो कौन सा पार्ट आपका सही है, जयशंकर प्रसाद। चलते हैं आगे। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है। तो प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन है हमारे नंद दुलारे वाजपेयी का। तो सी पार्ट सही है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेमचंद के बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताना है जो पूर्ण नहीं हुआ था। तो आपसे बता दें मंगलसूत्र, मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास था, जिन डेथ की वजह से ये अपना उपन्यास पूरा नहीं कर पाए थे। ठीक, तो कौन सा पार्ट, सी पार्ट पूरी तरीके से सही है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर को बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो किसके लिए प्राप्त हुआ था, तो उर्वशी रचना के लिए। किसके लिए, उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को क्या प्राप्त हुआ था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है, तो आपसे बता दें हिंदी साहित्य में संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं, कैसी भाषा, मान्यता प्राप्त भाषाओं में, यानी जैसे 22 भाषाओं, ठीक, तो उसमें से उत्कृष्ट योगदान यानी अच्छा साहित्य लिखने पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा, और भारतीय, भारत में साहित्य जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताइए, हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे पहले लेखक का, कौन से साहित्य, हिंदी साहित्य के, तो आपसे बता दें वो है गारसादा दासी। कौन है, गारसादा दासी। ठीक, देखते हैं इनसे प्रश्न बना है, इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। उर्दू हिंदी अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ क्या नाम था, इस्तावर दा लिप लित लित यूर इंदुई ए हिंदुस्तानी, इन्हीं के द्वारा लिखा गया सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास। गारसादा दासी ने भारत के लोकप्रिय उत्सवों का भी विवरण प्रस्तुत किया है। गारसादा दासी हिंदुस्तानी साहित्य के महत्व को स्वीकार करते हैं तथा उसे किसी अन्य भाषा से हीन नहीं समझते। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, पद्मावत किसकी रचना है, तो आपसे बता दें पद्मावत जो रचना है वो है किसकी, मलिक मोहम्मद जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। ठीक, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। और ये खास बात ध्यान रखना, अवधी भाषा में लिखी गई है, किस भाषा में, अवधी भाषा में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, बैताल पचीसी, क्या क्वेश्चन कह रहा है, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है, तो आपसे बता दें कि बेताल भट्टा राव जो हैं वो बेताल पचीसी के रचनाकार हैं। ठीक, क्या है, यानी बेताल पचीसी, देखिए क्या कह रहा है,
कथाओं से युक्त एक कथा ग्रंथ है। इसके रचयिता बेताल भट्टा राव हैं, जो न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रम के 9 रत्नों में से एक थे। तो इस तरीके से हमने 20 और क्वेश्चन पढ़े, यानी टोटल 40 क्वेश्चन हमने हिंदी साहित्य जगत से पढ़े। अभी आपके लिए और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको पढ़िएगा और ढंग से। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।